वंदना कर प्रभु पिता की आराधना करी, आराधना कर प्रभु पिता की आराधना करी, आराधना कर प्रभु पिता की आराधना करे, आराधना कर प्रभु पिता की आराधना करे, आराधना कर प्रभु यीशु की आराधना करे, आराधना कर प्रभु यीशु की आराधना करी। आराधना कर प्रभु आत्मा की आराधना करी, आराधना कर प्रभु आत्मा की आराधना करी, आराधना कर प्रभु आत्मा की आराधना करे, आराधना कर प्रभु आत्मा की आराधना करे, आराधना कर प्रभु आत्मा की आराधना करी, आराधना कर प्रभु आत्मा की आराधना करे, आराधना कर प्रभु आत्मा की आराधना करे, आराधना कर प्रभु आत्मा की आराधना करे, आराधना कर प्रभु पिता 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 की आराधना, आराधना कर प्रभु यीशु की आराधना करे, आराधना कर प्रभु यीशु की आराधना करे, आराधना करे, आराधना करे। आज की करुणामाला विनती में हम विशेष रूप से प्रार्थना करेंगे अपने परिवारों के लिए, अपनी संतानों के लिए, मित्र बंधुओं और रिश्तेदारों के लिए, विशेष रूप से जो बीमार हैं प्रभु उन्हें चंगाई प्रदान करें, जो घर में अकेलापन महसूस करते हैं प्रभु उन्हें हिम्मत और सांत्वना दें, बुजुर्गों के लिए जो घरों में अकेले पड़े हुए हैं जिनसे बात करने वाला कोई नहीं, प्रभु उन्हें विश्वास में दृढ़ता सांत्वना प्रदान करें। प्रेरितों का धर्मसार, हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में विश्वास करते हैं और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए, कुमारी मरियम से जन्मे, उन्होंने पोंतुस पिलातुस के शासनकाल में दुख भोगा,
बक्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे। वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान हैं। वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने को आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसी वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। एफेसियों का पत्र अध्याय 6 पद संख्या 18। आप लोग हर समय आत्मा में सब प्रकार की प्रार्थना तथा निवेदन करते रहें, और सब संतों के लिए आप विनती करते रहें। संत पौलुस लिखता है थिस्सलुनीकियों के पत्र अध्याय 5 पद संख्या 17 और 18 में, निरंतर आप लोग प्रार्थना करें, सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि ईसा मसीह के अनुसार आप लोगों के विषय में ईश्वर की यही इच्छा है। पवित्र हृदय से दया का झरना प्यारे भाइयों और बहनों फूट निकले। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ जो इस वक्त इस ऑनलाइन प्रार्थना में भाग लेते हैं। प्रभु का आत्मा आपकी अगुवाई करे, आपको सुरक्षित रखे, हर एक दुर्घटना से आपको बचा के रखे। इस विशेष कृपा के लिए हम प्रभु से दया के लिए प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर।
समर्पित करते जाएं प्यारे भाइयों और बहनों। ये सुंदर समय है प्रभु के पांच घावों पर मनन चिंतन करें, उसके तन से जो रक्त और जल बह निकला उसके द्वारा मुझे और आपको पापों की क्षमा मिली है। वो दया का झरना जो सलीब से फूट निकला मुझे और आपको पवित्र करे, हमारे घरों को पवित्र करे, हमारे सभी कामकाज को पवित्र करे। हर पल का वही है खुदा, हर पल का वही है खुदा, सांसों का वही मंबा, सांसों का वही मंबा, पाई जो फैलाए खड़ा, आजा तू क्यों दूर खड़ा, आजा तू क्यों दूर खड़ा, हर पल का वही है खुदा, सांसों का वही मंबा, बाहें जो फैलाए खड़ा, आजा तू क्यों दूर खड़ा, आजा तू क्यों दूर खड़ा, आजा तू क्यों दूर खड़ा। दूसरा भेद समर्पित करते हैं तमाम मानव जाति के पापों और गुनाहों की तौबा के लिए। रोमियों के पत्र अध्याय 8 पद संख्या 26। आत्मा हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है, हम नहीं जानते कि हमें किस तरह प्रार्थना करनी चाहिए, किंतु हमारी अस्पष्ट आहों के द्वारा आत्मा स्वयं हमारे लिए विनती करता है। प्रभु यीशु ने कहा मत्ती के सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्या 22 में, जो कुछ तुम विश्वास के साथ प्रार्थना में मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। इसी विश्वास के साथ प्यारे भाइयों और बहनों, पापियों के गुनाहों की माफ़ी के लिए और अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए हम प्रभु से विनती करें, आपका जवाब होगा हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर, हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वर का तुझे चढ़ाते हैं उनके दुख भोग के नाम पर। हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर, हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है,
हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। सामर्थ्यवान जीवित प्रभु की उपस्थिति इस वक्त इस पाक पवित्र संस्कार में मौजूद है। प्रभु यीशु आपके घरों को, आपकी संतानों को, आपके बिजनेस को, आपके कामकाज को उन्नति प्रदान करें। हम विशेष रूप से इस भेद में उन तमाम लोगों के लिए जो निस्सहाय हैं, शोषित हैं, निवेदन करें, प्रभु की दया उनके ऊपर सदा बनी रहे। चिथड़े उड़े कोड़ों से, चिथड़े उड़े कोड़ों से, बाल सजे कांटों से, बाल सजे कांटों से, धाड़ी नोची हाथों से, आजा क्यों दूर खड़ा, आजा क्यों दूर खड़ा, हर पल का वही है खुदा, सांसों का वही मंबा, वही जो फैलाए खड़ा, आजा क्यों दूर खड़ा, आजा क्यों दूर खड़ा, आजा क्यों दूर खड़ा। इब्रानियों का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 16। इसलिए हम भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं, जिससे कि हमें दया मिले। प्रियजनों, प्रभु यीशु अनुग्रह करने के लिए इस महान और पवित्र सिंहासन पर विराजमान हैं। हम सब लोग उस सिंहासन के पास दौड़े चले आएं, ताकि वह हम पर दया करे और हमें वो कृपा मिले जो हमारी आवश्यकताओं में हमारी सहायता करेगी। इस वक्त हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जो प्रभु की दया की तलाश में हैं, अपने गुनाहों की माफ़ी चाहते हैं, जो बीमार हैं प्रभु उन पर आशीष बरसाए, रोग शैया को प्रभु स्पर्श कर उन्हें चंगाई प्रदान करें। ईश्वर से कहें कि हे मेरे ईश्वर, मेरी रक्षा कर, मेरी पुकार का उत्तर दें, तूने मुझे सदा संकट से उबारा है, हे प्रभु अब मुझ पर तू दया कर। आपका जवाब होगा, हम पर और सभी निसहाय लोगों पर दया कर, हम पर और सभी निसहाय लोगों पर दया कर। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर हम पर और सभी निसहाय लोगों पर दया कर, हम पर और सभी निसहाय लोगों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी निसहाय लोगों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी निसहाय लोगों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी निसहाय लोगों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी निसहाय लोगों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी निसहाय लोगों
लोगों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी निसहाय लोगों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी निसहाय लोगों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी निसहाय लोगों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी निसहाय लोगों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी निसहाय लोगों पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सभी निसहाय लोगों पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सभी निसहाय लोगों पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सभी निसहाय लोगों पर दया कर। उसका बदन लहू लहू, उसका बदन बख्शी उसी ने है सुकून, बख्शा उसी ने है सुकून, उसी को दे तन और मन आ जा तो दूर खड़ा आ जा क्यों दूर खड़ा, हर पल का वही है खुदा, सांसों का वही मुंबा, बाहे जो फैलाए खड़ा आ जा दूर खड़ा आ जा तू क्यों दूर खड़ा, आ जा तू क्यों दूर खड़ा। चौथा भेद, हम तमाम लोग जो बीमार हैं, रोगशैया पर हैं, असाध्य रोगों से पीड़ित हैं, कैंसर, लकवा, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, किडनी की समस्याएं, रसौलियाँ, गर्भ की समस्याएं, माइग्रेन की बीमारी, ब्रेन ट्यूमर की बीमारी, सोराइसिस की बीमारी, स्किन के इन्फेक्शंस, हड्डियों के रोग, सूखी हुई नसों के रोग, मानसिक रूप से जो बीमार हैं, जो बोल नहीं सकते, चल फिर नहीं सकते हैं, हे प्रभु उन पर दया कर। हम उनको तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। तू डॉक्टरों का डॉक्टर, वैद्यों का वैद्य, दया करने वाला, चंगा करने वाला परमेश्वर है। हमारी प्रार्थनाओं को सुन और जवाब दे। इन तमाम लोगों को हम समर्पित करते हैं और प्रार्थना करते हैं इस भरोसे के साथ कि वचन हमसे कहता है, वचन संहिता 41 पद संख्या 4 और 5, कि हे प्रभु, तू रोग शैया पर रोगी को शांत बना देता है और रोगी का बिस्तर बदलता है। प्रभु मुझ पर दया कर, सभी बीमारों पर दया कर, बुजुर्गों पर दया कर, उन्हें चंगा कर, क्योंकि मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। हे प्रभु, आपका वचन कहता है कि तू दुखियों को दिलासा देता और उनके घावों पर पट्टी बांधता है। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु कहता है कि तुम उस पर श्रद्धा रखो, बुराई से दूर रहो, इससे वह तुम्हारे शरीर को स्वास्थ्य और तुम्हारी हड्डियों को नया जीवन प्रदान करेगा। हम प्रार्थना करते हैं सभी बीमारों के लिए, आपका जवाब होगा, हम पर और सभी रोगियों पर दया कर। हम पर और सभी रोगियों पर दया कर। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वर का तुझे चढ़ाते हैं
उनके दुख भोग के नाम पर हम पर और सभी रोगियों पर दया कर, हम पर और सभी रोगियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी रोगियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी रोगियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी रोगियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी रोगियों पर दया। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी रोगियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी रोगियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी रोगियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी रोगियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी रोगियों पर दया। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी रोगियों पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सभी रोगियों पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सभी रोगियों पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सभी रोगियों पर दया कर। पांचवा भेद, समर्पित करते हैं सभी पुरोहितों को, धर्म संघियों को, धर्म बहनों को, प्रचारकों को, प्रभु के दास दासियों को, जो दूर दराज में प्रभु के नाम को महिमा देते हैं, उसे ऊंचा करते हैं। जितने भी लोग चुने हुए लोग हैं, प्रभु उन्हें पवित्रता का वरदान, विश्वास का वरदान प्रदान करें। यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 29 पद संख्या 12 से 14 में हम पढ़ते हैं, प्रभु ये कहता है, जब तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हें उत्तर दूंगा, मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनूंगा, जब तुम मुझे ढूंढोगे तो मुझे पा जाओगे, यदि तुम मुझे संपूर्ण हृदय से ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। प्रभु ये कहता है, ये प्रभु की वाणी है, मैं तुम्हारा भाग्य पलट दूंगा और तुम्हें ऐसी महान तथा रहस्यमयी बातें बताऊंगा जिन्हें तुम अभी नहीं समझते हो। हम प्रार्थना करें, प्रभु अपनी दया, अपनी करुणा सभी पुरोहितों पर, सभी याजकों, धर्माध्यक्षों पर बरसाए, शिक्षण कर रहे सभी गुरुकुल में विद्यार्थियों को अपनी दया प्रदर्शित करें। आपका जवाब होगा, सभी पुरोहितों, धर्म संघियों एवं लोक धर्मियों पर दया कर। सभी पुरोहितों, धर्म संघियों एवं लोक धर्मियों पर दया कर। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वर का तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर
सभी पुरोहितों धर्म संगियों एवं लोक धर्मियों पर दया कर। सभी पुरोहितों धर्म संगियों एवं लोक धर्मियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा। सभी पुरोहितों धर्म संगियों एवं लोक धर्मियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा। सभी पुरोहितों धर्म संगियों एवं लोक धर्मियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा। सभी पुरोहितों धर्म संगियों एवं लोक धर्मियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा। सभी पुरोहितों धर्म संगियों एवं लोक धर्मियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा। सभी पुरोहितों धर्म संगियों एवं लोक धर्मियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा। सभी पुरोहितों धर्म संगियों एवं लोक धर्मियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा। सभी पुरोहितों धर्म संगियों एवं लोक धर्मियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा। सभी पुरोहितों धर्म संगियों एवं लोक धर्मियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा। सभी पुरोहितों धर्म संगियों एवं लोक धर्मियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा। सभी पुरोहितों धर्म संगियों एवं लोक धर्मियों पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है। सभी पुरोहितों धर्म संगियों एवं लोक धर्मियों पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है। सभी पुरोहितों धर्म संगियों एवं लोक धर्मियों पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है। सभी पुरोहितों एवं लोक धर्मियों पर दया कर। करुणा के लिए प्रार्थना करेंगे। एक साथ मिलकर बोलें, हे प्रभु ईश्वर, हमारी रक्षा कर, अपने पुत्र पुत्रियों पर करुणा कर, हमारे माता पिता, भाई बहन, अधिकारियों, नेताओं और हमारे द्वारा जो भी पाप, अधर्म और अपराध हुए हैं उन्हें क्षमा कर दें, हमें दंड ना दें, हमारे कर्ज माफ कर दें। हे करुणा सागर प्रभु, अपने पावन लहू से हमारे परिवारों और हमारी सब वस्तुओं का अभिषेक कर, हमें अपना बनाकर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित कर। आमीन। पवित्र हृदय के प्रति समर्पण विनती। हे प्रभु यीशु, तूने कहा है, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हम तेरे निमंत्रण को स्वीकारते हुए अपने आप को, प्रियजनों को, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी और सभी पुरखों को तेरे पवित्र हृदय में समर्पित करते हैं। सभी भाई बहनों को, विशेषकर सभी दीन दुखियों, निराश और हताश लोगों को, शराब एवं नशे की गुलामी में पड़े सभी भाई बहनों को तेरे पवित्र हृदय में अर्पण करते हैं। हे प्यारे प्रभु यीशु, तेरा पवित्र हृदय करुणा और प्रेम का सागर है। अपने पवित्र हृदय के अगाध प्रेम में हम सबको, हमारे प्रियजनों को डुबाने की कृपा कर। हम अपने हृदय के सभी पाप, घमंड, घृणा, क्रोध, गुस्सा, जलन, वासना, कठोरता एवं अन्य बुराइयों को तेरे पवित्र हृदय में अर्पित करते हैं। हमारे हृदय, मन, आत्मा, चेतन और अचेतन मन की सभी चोटों को भी तेरे पवित्र हृदय में चढ़ा देते हैं। हे प्रभु यीशु, अपने पवित्र हृदय के असीम प्रेम से हमारे हृदय, मन, आत्मा, चेतन और अचेतन मन को भर दे और सभी अंदरूनी चोटों से हमें मुक्ति दिलाने की कृपा कर। हे अति मधुर यीशु, हम अपने शरीर के अंग अंग को जो कष्ट, पीड़ा व रोगों से ग्रसित हैं, तेरे पवित्र हृदय में अर्पित करते हैं। हम अपने हृदय के हर डर, भय, घबराहट और अशांति को भी तुझे सौंपते हैं। तेरे पवित्र हृदय के अगाध प्रेम के मधुर स्पर्श से
हमारे शरीर मन आत्मा के हर कष्ट और पीड़ा को चंगा करने की कृपा कर। आमीन। पवित्र हृदय की स्तुति विनती। हे प्रभु हम पर दया कर। हे प्रभु हम पर दया कर। हे क्रिस्त हम पर दया कर। हे क्रिस्त हम पर दया कर। हे प्रभु हम पर दया कर। हे प्रभु हम पर दया कर। हे क्रिस्त हमारी विनती सुन। हे क्रिस्त हमारी विनती पूरी कर। हे पिता ईश्वर हम पर दया कर। पुत्र ईश्वर दुनिया के मुक्ति दाता हम पर दया कर। पवित्र आत्मा ईश्वर हम पर दया कर। पवित्र त्रित्व एक ही ईश्वर हम पर दया कर। यीशु के हृदय सनातन पिता के पुत्र के हृदय हम पर दया कर। यीशु के हृदय जो कुमारी मरियम के गर्भ में पवित्र आत्मा से बनाया गया हम पर दया कर। यीशु के हृदय जो सत्यवता ईश्वर का शब्द है हम पर दया कर। यीशु के हृदय असीम प्रताप से युक्त हम पर दया कर। यीशु के हृदय ईश्वर का पवित्र मंदिर हम पर दया कर। यीशु के हृदय सर्वोच्च का तंबू हम पर दया कर। यीशु के हृदय परमेश्वर का भवन और स्वर्ग के द्वार हम पर दया कर। यीशु के हृदय प्रेम से जलती हुई अग्नि हम पर दया कर। यीशु के हृदय न्याय और प्रेम का भंडार हम पर दया कर। यीशु के हृदय भलाई और प्रेम से भरपूर हम पर दया कर। यीशु के हृदय सब गुणों के अथाह समुद्र हम पर दया कर। यीशु के हृदय सब प्रकार की स्तुति के योग्य हम पर दया कर। यीशु के हृदय सब हृदयों के राजा और केंद्र हम पर दया कर। यीशु के हृदय समस्त प्रज्ञा और ज्ञान के भंडार हम पर दया कर। यीशु के हृदय ईश्वर की पूर्णता हम पर दया कर। यीशु के हृदय जिससे पिता अत्यंत प्रसन्न है हम पर दया कर। यीशु के हृदय जिसकी पूर्णता में हम सभी ने पाया है हम पर दया कर। यीशु के हृदय धीरज और दया से परिपूर्ण हम पर दया कर। यीशु के हृदय प्रार्थना करने वालों का आसरा हम पर दया कर। यीशु के हृदय जीवन और पवित्रता का झरना हम पर दया कर। यीशु के हृदय अपमानों से दुखित हम पर दया कर। यीशु के हृदय जो हमारे पापों के कारण कुचला गया हम पर दया कर। यीशु के हृदय मरण तक आज्ञाकारी हम पर दया कर। यीशु के हृदय जो बर्छे से छेदा गया हम पर दया कर। यीशु के हृदय हर दिलासा का झरना हम पर दया कर। यीशु के हृदय हमारा जीवन और पुनरुत्थान हम पर दया कर। यीशु के हृदय हमारी शांति और मिलाप हम पर दया कर। यीशु के हृदय हमारे पापों की बलि हम पर दया कर। यीशु के हृदय तुझमें आसरा रखने वालों की मुक्ति हम पर दया कर। यीशु के हृदय तुझमें मरने वालों का आसरा हम पर दया कर। यीशु के हृदय सब संतों का आनंद हम पर दया कर। हे परमेश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है हे प्रभु हमें क्षमा कर। हे परमेश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है हे प्रभु हमारी विनती सुन। हे परमेश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है हम पर दया कर। हे प्रभु के हृदय कोमल और दीन हमारे हृदय को अपने हृदय के समान बना दे। हे प्रभु के हृदय कोमल और दीन हमारे हृदय को अपने हृदय के समान बना दे। हे प्रभु के हृदय कोमल और दीन हमारे हृदय को अपने हृदय के समान बना दे। आइए सिरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर अपने परम प्रिय पुत्र के हृदय पर दया दृष्टि डाल, जो स्तुति तथा प्रायश्चित पापियों के नाम पर तुझे चढ़ाया गया है उस पर ध्यान देने की कृपा कर। हे प्रभु इस वक्त जितने भी लोग इस प्रार्थना में भाग लेते हैं तेरी वेदी के सामने उपस्थित हैं, तेरी दया इन पर प्रदर्शित कर, तेरी दया की भीख मांगने वालों को क्षमा कर। हे प्रभु तेरा पवित्र दाहिना हाथ इनके शरीर आत्मा हृदय परिवारों पर दया प्रदर्शित कर दे, इन्हें सुरक्षित रख दे शैतान के सारी चालों से, धूर्तता की आत्मा से बचाने की कृपा कर, और इन सारे लोगों को अपनी शांति और दया प्रदान कर। हे प्रभु आज की यह प्रार्थना तुझे कबूल हो, हमारे निवेदनों के अनुसार हमारे साथ प्रभु दया प्रदर्शित करने की कृपा कर, और हमारे विश्वास के अनुसार हमारा उद्धार कर।
हे प्रभु, जो निवेदन तेरे चरणों में प्रस्तुत किए हैं उन्हें सुन और उत्तर दे। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। पवित्र पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। से बढ़ जाता।